सबसे पहले पदार्थ जिसे हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं वह क्या है? हर वो चीज जिसके पास द्रव्यमान ये अर्थात मास और आयतन अर्थात वॉल्यूम होता है वह पदार्थ कहलाती है। जैसे पानी, पत्थर, कुर्सी इत्यादि, इन सब चीजों को हम अपने आसपास देख सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और जिनके पास द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है और उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर पदार्थ को अपनी आंखों से देख सकें। जैसे हवा, यह भी एक पदार्थ है पर हम इसे देख नहीं सकते। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कणों को हम अंग्रेजी में पार्टिकल्स भी कहते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सुई की नोक के बारे में कल्पना करो तो कण का डायमेंशन यानी साइज इससे भी लाख गुना छोटा होता है। अब सोच सकते हो कि कितना छोटा होता होगा पदार्थों का कण। पदार्थ के कणों के कुछ विशेष गुण होते हैं, आइए उन पे एक नजर डालें। पर एक बात बता दूं कि ये जो विशेष गुण हमने पढ़ने वाले हैं यह उस पदार्थ की विशेषता और अवस्था बताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यानी क्रियाकलाप करते हैं। हमने एक ग्लास में पानी भर लिया, अब उसमें हम कुछ मात्रा में चीनी डालने वाले हैं। तो ये हमने कुछ मात्रा में चीनी डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से स्टिर यानी कि मिक्स करने वाले हैं। आफ्टर मिक्सिंग यानी मिलाने के बाद हमने देखा कि चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है पर फिर भी पानी का जो लेवल यानी कि रेखा है वो अभी भी वहीं पे बनी हुई है। इससे यह साबित होता है कि जो पानी के पदार्थ पानी के कणों के बीच के जो रिक्त स्थान थी उसमें शुगर यानी चीनी के जो कण थे वो जाके स्थापित हो गए। इससे यह साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी अगर कोई भी पदार्थ है तो उसके कण के पास कोई ना कोई ऊर्जा होती है जो उसे हमेशा गति में रखने के लिए मदद करती है। भले ही वो ठोस हो या तरल हो या गैस हो, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा हर में होती है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण का जो सीमा होती है यह सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उससे कम तरल में, उससे कम गैस में। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। दूसरा, लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। तीसरा, गैसीय स्टेट यानी गैसीय अवस्था। आइए अब इनके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। आइए अब इस चित्र से पदार्थों के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था। इसमें जैसा आपको प्रतीत हो रहा है इसके कण जो है स्थिर दिख रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल एकदम स्थिर नहीं होते। वो अपनी पोजिशन यानी जगह पे रहते तो हैं पर उसके अबाउट डोलते रहते हैं, अर्थात उनमें भी कुछ ऊर्जा होती है। पर अगर हम द्रव में आए तो ठोस के कंपैरिजन यानी तुलना में उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है और वह एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। पर अगर गैस की अवस्था में आए तो उसमें और ज्यादा डोलने की क्षमता होती है क्योंकि उसमें ऊर्जा और होती है। और इसमें तो जो कण होते हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से। कुछ उदाहरण जैसे कुर्सी, पत्थर, बर्फ, रबर बैंड इत्यादि। अब उनकी कुछ विशेषताएं। वे निश्चित द्रव्यमान यानी मास, आयतन यानी वॉल्यूम एवं आकार यानी शेप के होते हैं। वे कठोर होते हैं। उनके कणों के बीच दूरियां लघु होती हैं, अर्थात छोटी होती हैं। उनके कणों के बीच का आकर्षण बल प्रबल होता है। यही कारण है कि उनके कणों के बीच दूरियां लघु होती हैं और वह एक दूसरे से ज्यादा दूर जा भी नहीं सकते हैं।
आइए अब पढ़ते हैं द्रव अवस्था के बारे में, कुछ उदाहरण जैसे पानी, दूध, पारा इत्यादि। हालांकि पारा जो है सिर्फ सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में होता है। अब उनकी कुछ विशेषताएं, जैसे वे निश्चित द्रव्यमान यानी मास और आयतन यानी वॉल्यूम के होते हैं, उनका द्रव्यमान और आयतन बदलता नहीं है, उनमें बहाव होता है। अगर हम किसी भी द्रव को एक ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ छोड़ दें तो वो अपने आप बहता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, या आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वह उस बर्तन का आकार ले लेगा। ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है, और जैसा कि हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है इसलिए इसके कण एक दूसरे से ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, और इनमें एक दूसरे से दूर जाने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण इनमें रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब तीसरे नंबर पे गैसीय अवस्था, कुछ उदाहरण जैसे वाष्प यानी भाप, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि। गैस की कुछ विशेषताएं, जैसे वे सिर्फ निश्चित द्रव्यमान यानी मास के होते हैं, इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। आप इसे जिस भी बर्तन में डालेंगे या उस बर्तन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई यानी कि भर देगा, और इस प्रकार उसका आयतन निश्चित नहीं होता। और आकार तो वैसे भी, क्योंकि अगर हम जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसको पूरी तरीके से अगर वो भर रहा है तो उसका आकार वो खुद लेने वाला है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। द्रव की अपेक्षा गैसों में कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें द्रव और ठोस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है, और इनके कण एक दूसरे से बहुत दूर जाने की क्षमता भी रखते हैं, और इनमें आकर्षण भी बहुत कम होता है। ठोसों और द्रवों के तुलना में गैस की संपीड्यता काफी अधिक होती है। संपीड्यता को हम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं, अर्थात अगर हम किसी ठोस को बल लगा के उसको उसका अवस्था उसकी अवस्था को बदलना चाहें तो हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल का काम होगा। और हालांकि द्रव के लिए यह मुश्किल होगा पर इतना भी नहीं, पर अगर हम गैस के में आए तो उसे हम कुछ बल लगा के और तापमान को कम करके हम उसे आसानी से उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। यह दिखाता है कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता काफी अधिक होती है। आइए अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालें। गैसों के कणों की अनियमित गति के कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल को गैस का दबाव कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे सपोज कर लिए ये एक बर्तन है और इसमें हमने एक गैस को भर दिया, और इस गोले से मैं गैस के कणों को दर्शा रहा हूं। ये गैस के कण हमेशा गतिशील होते हैं और इनकी गति की दिशा निर्धारित नहीं होती है। ये इधर उधर टकराते हुए गति करते रहते हैं। जैसे सपोज ये वाला कण इधर जा रहा है, तो ये वाला कण हो सकता है इधर जा रहा होगा, ये वाला कण हो सकता है इधर जा रहा होगा, एंड ये वाला इधर जा रहा होगा। इस प्रकार हर एक कण अनिश्चित दिशा में गति करते रहते हैं, जिस कारण वह बर्तन से जाके टकराते हैं और उस पे कुछ बल लगाते हैं। तो अगर हम उस बल को उस बर्तन के क्षेत्रफल से भाग दें तो जो हमें मिलेगा हम उसे गैस का दबाव कहते हैं। अगर हम उसे इक्वेशंस में लिखना चाहें देन प्रेशर इज इक्वल टू, अर्थात दबाव इज इक्वल टू बल भाग क्षेत्रफल। आइए एक नजर डालते हैं अवस्था परिवर्तन पे। सॉलिड यानी कि ठोस
गैस यानी कि गैस, लिक्विड यानी कि द्रव। तो अगर हमें द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाना है तो हमें उसे फ्रीज करना होगा, अर्थात हमें उसका तापमान इतना घटाना होगा ताकि उसके कण इतने करीब आ जाएं कि वो ठोस अवस्था में चले जाएं। अब हमें अगर ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाना है तो उसे हमें उसका तापमान इतना बढ़ाना होगा और उसे इतनी ऊर्जा देनी होगी ताकि उसके कण इतनी ऊर्जा लेके मूव करें, इधर उधर गति करें ताकि वो गैस अवस्था में चले जाए। और अगर हमें गैस अवस्था से अब द्रव अवस्था में जाना है तो हमें उसका तापमान घटाना पड़ेगा, जिस कारण उसकी ऊर्जा हम थोड़ी सी कम करेंगे और वो कुछ स्थिर होंगे, पर फिर भी वो कुछ गति करेंगे और उनका स्थान अभी भी निश्चित नहीं होगा, जिसे हम द्रव कहते हैं। और अगर हम उल्टी दिशा में जाएं तो अगर हमें द्रव को गैस में परिवर्तन करना है तो हम उसे बॉयल कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं या उबालना कहते हैं, जिसमें हम उसका तापमान कुछ सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि जो लिक्विड के यानी द्रव के जो कण होते हैं उन्हें कुछ ऊर्जा मिलती है और वो और दूर दूर तक जाने की क्षमता रखते हैं, अर्थात वो गैस अवस्था में चले जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम गैस अवस्था को अगर सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में ले जाना चाहें तो उसमें हमें उसके तापमान को घटाना पड़ता है, जिसके मतलब वो हम उससे इतनी ऊर्जा निकाल लेते हैं ताकि वह कुछ निश्चित स्थान पे आ जाते हैं और उनमें आकर्षण बहुत ही बढ़ जाता है।